सुनो, खाना लगा दूँ आपके लिए? क्या सब्जी बनाई है? वो दो आलू रखे थे, मैंने उन्हीं की सब्जी बना दी। कल भी तो आलू बनाए थे, आज फिर आलू? वो चलो कोई नहीं, शायद दूध वाला होगा, आज मुझे उसका भी हिसाब करना है। मैं बेबी हाथ में धो लेता हूँ। ठीक है। ये 1000 रुपये, ऐसा करो आप ये 500 रुपये रख लो, मैंने सुबह देखा था आपके पर्स में 1 भी रुपया नहीं था। आप ये 500 रुपये रख लो, 500 मैं रख लेती हूँ। ये पैसे तो दूध वाले के मैंने पूरे पैसे दिए थे, फिर? वो मैंने इस महीने थोड़ा दूध कम कर दिया था, अब थोड़े में काम चल ही जाता है तो क्या ज़रूरत है फालतू लेने की। पता नहीं मेरी जॉब कब लगेगी, रोज जाता हूँ इंटरव्यू देने के लिए, पर आप क्यों परेशान होते हो, मिल जाएगी जॉब भी, और वो जॉब है ना आपके लायक नहीं होगी, इसलिए तो नहीं मिली, आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। मैं ना जरा खाना लगा देती हूँ, आप ये पैसे रख लेना। हाँ यार, कैसी है? हाँ बता। क्या, वाह यार, तू तो बड़ी लक्की है जो तेरे हस्बैंड ने तेरे बर्थडे पे 3 लाख रुपए का सेट दिलवा दिया। पता है इन्होंने भी मेरे बर्थडे पे है ना डायमंड के इयररिंग्स दिलवाए थे। हाँ चल ठीक है, ओके बाय। तुमने अपनी सहेली से झूठ क्यों बोला कि मैंने तुम्हें डायमंड की इयररिंग दिलाई है? अरे तो क्या हो गया? मुझे माफ कर देना प्रिया, मैं तुम्हारे बर्थडे पर केक भी नहीं ला पाया। अरे आप अपना दिल छोटा क्यों करते हो, मेरी फ्रेंड कौन सा मेरे घर आ रही है मेरे डायमंड के इयररिंग्स देखने। और रही बात तोहफों की, अभी टाइम है ना थोड़ा ठीक नहीं है हमारा, जब टाइम ठीक आएगा ना मैं अपनी पसंद की सारी चीजें ले लूंगी आपसे, ये टाइम निकल जाने दो बस, अच्छा टाइम आएगा अभी। और हाँ रही बात मेरी खुशियों की, देखो आप मेरे साथ हो ना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। पता है प्रिया, जब भी किसी की लाइफ में बुरा वक्त आता है ना, तो एक बात तो अच्छी होती है कि उसको ये पता लग जाता है कि इस बुरे वक्त में कौन उसका साथ देता है और कौन उसका साथ छोड़ देता है। तुम्हें पता है मेरे बहुत से दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया, और बुरे वक्त में जो भी व्यक्ति किसी का साथ देता है ना, वो उसको कभी नहीं भूलता। और मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूँ, भगवान का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे तुम जैसी पत्नी दी।